स्टूडेंट को यहाँ क्यों आना चाहिए? वाइब्स के लिए। चलिए जी, बिल्कुल। सारे लोग भेजते हैं, हम लोग माहौल भेजते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और चाय जहाँ होता है वहाँ पे सुट्टा तो जरूर होता है। सुट्टा एक्चुअली हम लोग भेजते हैं। अच्छा, आप लोग नहीं भेजते हैं, बस नाम है। चलिए, ये यहाँ का एक प्लस पॉइंट है कि भले ही नाम चाय सुट्टा वाले, लेकिन सुट्टा यहाँ नहीं मिलता। यहाँ पे पैसे के लिए बिजनेस करने नहीं आए हैं हम लोग, प्यार बांटने आए हैं। चलिए, बहुत राम राम भाई सभी को। तो आज हम आए हुए हैं चाय सुट्टा बार। तो आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे चाय सुट्टा बार के अंदर क्या क्या सर्व किया जाता है। IIT पटना मेन गेट के सामने ये चाय सुट्टा बार है। हम आपको ले चलते हैं, इनके जो मालिक हैं उनसे आपसे बात करवाते हैं, यहाँ क्या क्या अवेलेबल और क्या रेट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको दिखा, बगल में है आपका मोमो नेशन कैफ़े MNC, और उसके बगल में है टेस्टन बेस्ट। तो ये तीन दुकान आपको सामने देखने को मिल जाएगा। तो आपको ले चलते हैं चाय सुट्टा बार में और दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। लोग अंदर आ चुके हैं चाय सुट्टा बार के, कुछ हमारे मित्र भी बैठे हुए हैं। हेलो भाई, हेलो सभी को। सभी लोग बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आपको अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए एकदम हाइजेनिक माहौल है, और यहाँ पर ऑनलाइन कैश दोनों की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे आपको ठंडा मिल जाएगा, और शायद आइसक्रीम का भी स्टॉल लगा हुआ है। और अंदर जो है पिज्ज़ा कॉर्नर है, पिज्ज़ा आपका बन रहा है अंदर में, और जो भी आइटम्स हैं आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। और इसका जो है टैग लाइन ही है, कडल द कुल्हड़। ठीक है, मतलब चाय पिए उसके बाद जो कुल्हड़ है उसको आप थोड़ा सा टेस्ट जरूर करें। तो आइए हम आपको मिलाते हैं यहाँ जो भैया हैं उनसे। हेलो भैया, आपका नाम भैया? जी, तो तन्मय भैया हैं। तो वेलकम टू भैया चैनल, मेरा नाम कृष्णा हुआ, IIT पटना से। हमारा चैनल है कृष्णा ज्ञान। तो हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ का। तो थोड़ा सा ब्रीफ करिए भैया, ये कब कंपनी आपका सेटअप हुआ और क्या आपके विचार में आया सेटअप करने के पीछे? हम लोग एक्चुअली स्टूडेंट क्राउड को पकड़ना चाह रहे थे। ओके, तो प्राइस फ्रेंडली जो भी आइटम्स हैं उसको प्राइस फ्रेंडली रखना था। ठीक, मोटिव यही था। बाकी चाय कंज्यूम करने वाला अगर पानी के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है। और चाय जहाँ होता है वहाँ पे सुट्टा तो जरूर होता है। सुट्टा एक्चुअली हम लोग बेचते हैं। अच्छा, आप लोग नहीं बेचते हैं, बस नाम है। चलिए, ये यहाँ का एक प्लस पॉइंट है कि भले ही नाम चाय सुट्टा बार है, लेकिन सुट्टा यहाँ नहीं मिलता, आपको सुट्टा दूसरा जगह से लाके पीना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है भैया, अच्छा लगा ये पॉइंट। और बताइए थोड़ा इसके बारे में भैया। हम लोग स्नैक्स वगैरह या फिर पिज़्ज़ा पास्ता इन सारी चीज़ों को, मैगी भी बनाते हैं आप? मैगी भी मिलता है। अच्छा, ऑर्डर पे आपको स्नैक्स में काइंड ऑफ एवरीथिंग, जैसे पाव भाजी की हम लोगों ने नया इंट्रोड्यूस किया था, बड़ा पाव, नहीं पाव भाजी। अच्छा, पाव भाजी, पाव भाजी, और उपमा भी मिलता है, दबेली भी है, इन सब चीज़ों। अच्छा, यहाँ पे जो मास क्राउड है वो साउथ पीपल का है, तो साउथ वालों के लिए कौन कौन से डिशेज आप अरेंज किए हुए, मतलब उनके लिए साउथ वालों के लिए क्या क्या? क्योंकि यहाँ जो कॉफी लवर है। अच्छा, ओके, चाय से ज़्यादा वो कॉफी लवर है। ओके, बट उनका स्नैक्स में अगर पिज्जा आ जाए तो कॉन्टिनेंटल में वो सारे डिशेज ट्राई करते हैं। मतलब बिहारी वालों के लिए आप चाय का व्यवस्था किए हैं, और इधर देखिए जो साउथ के हमारे IIT मित्र हैं जो बीटेक वाले, उन लोगों के लिए ये कॉफ़ी की व्यवस्था की गई है। चलिए भैया, तो आपका कंपनी कब सेटअप हुआ था? ये 2 साल पहले। 2 साल पहले, चलिए 2 साल पहले सेटअप हुआ। तो आपने तो लगभग बता ही दिया क्या क्या होता है। और यहाँ पे IIT गेट नंबर 1 के पास हम लोगों का सबसे ओल्डेस्ट शॉप है, काइंड ऑफ कि यहाँ पे बाहर कुछ था नहीं उस टाइम। अच्छा, जी जी जी, अभी रेस्टोरेंट वगैरह तो आते हैं, लेकिन हम लोगों का ये सब वो सबसे बड़ा है। ओके, ठीक है भैया। और थोड़ा आप बताएं, मतलब कि स्टूडेंट को यहाँ क्यों आना चाहिए? वाइब्स के लिए। चलिए जी, बिल्कुल। सारे लोग भेजते हैं, हम लोग माहौल भेजते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चीज़ें सभी लोग भेजते हैं, माहौल कुछ ही लोग भेजते हैं। आप वाइब्स यहाँ के देखिए, आने के बाद लगता है आपको जो भी स्ट्रेसफुल आपका असाइनमेंट है, पेपर है, एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ आते हैं तो देख सकते हैं वातावरण एकदम क्लीन एंड नीट एंड क्लीन है, और स्ट्रेस रिलीज करने वाला एकदम माहौल है। देखिए आप यहाँ से बाहर का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ का इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी है, और बैठने की व्यवस्था की गई है, बहुत सारी कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं। देखिए, कुछ मित्रों से हम बात करना चाहेंगे। ये हमारे सुमित भाई बैठे हुए हैं। हेलो भाई, बताइए भाई कि आप यहाँ कब से आ रहे हैं? अच्छा, तो यहाँ का सबसे बेस्ट आइटम आपको क्या लगता है? वेज मैगी। तो यहाँ का सबसे बेस्ट जो आइटम है वो वेज मैगी है। और आप यहाँ चाय पिए कभी? कॉफ़ी?
चाय सुंदर है यहाँ का। चलिए, तो चाय चाय की भी बहुत तारीफ हो रही है यहाँ की। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो आइटम है, आइटम लिस्ट में दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ का आइटम लिस्ट है, देखिए आपको बर्गर मिल जाएगा, डिफरेंट टाइप का पिज्जा मिल जाएगा, पास्ता है, फिर आपको एक्स्ट्रा हॉर्डन आइटम है, उसके बाद इधर बाइट्स हैं, फिर कुछ लोगों से और मिलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। हेलो भाई सभी को, हेलो। तो आप थोड़ा बताएं यहाँ का सबसे बेस्ट आइटम आपको क्या लगा? मैं तो यहाँ अदरक वाली चाय पीने के लिए। अरे वाह वाह, बिहार, बिहारी जहाँ हो और चाय ना हो उसकी बात ही तो नहीं कह सकती। तो चाय यहाँ का बहुत सुंदर है। और यहाँ का कोई आइटम जो आपने खाया हो और आपको मज़ा आ गया हो, मन कर गया हो कि टिप दे के जाए? यहाँ खाने का बहुत सारी चीज़ें, अच्छा खा सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली चाय पीने आता हूँ। चाय, चाय में क्या क्या डाला जाता है? अदरक, अदरक वाली चाय, मसाला वाली, इलायची। यहाँ चाय कितने प्रकार की मिलती है? आप कितने तरह का चाय पिए हैं यहाँ पे? एक सिंपल चाय है, एक अदरक वाली चाय है, एक मसाला चाय है। वाह, तीन तरह की चाय। मसाला चाय भी आप ले सकते हैं, उसमें जो है हर एक आइटम इंक्लूड रहता है। चलिए, तो यहाँ के जो हमेशा के कमर्स हैं, डेली कमर्स, उनसे मैंने राय जानना चाहा। और फिर मैं भैया से जानना चाहूँगा लास्ट जो है, कुछ उनके मुँह से बात सुनना चाहूँगा यहाँ के बारे में। और आप देखें यहाँ का किचन, मैं आपको दिखाता हूँ, उससे मैं जल्दी में दिखाया था, आप देखिए यहाँ का सीन, देखिए बाहर का ग्रीनरी, देखिए आसपास का प्लॉट खाली ही है एकदम। और ये रहा, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, भैया ने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे पिज्ज़ा कैसे बनता है उसको एक बार वीडियो में दिखाने का, तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम लोग एंटर कर चुके हैं, एकदम हाइजीनिक माहौल है यहाँ का, देखिए एकदम सब चीज़ वेल इस्टेब्लिश्ड है। कहाँ पे क्या रखा हुआ है आप देख सकते हैं, सामान सभी एकदम रखा हुआ है सही जगह पे, देख सकते हैं मॉकटेल्स वगैरह और जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं एकदम नीट एंड क्लीन सही जगह पे रखे हुए हैं। तो आप देखिए अभी क्या काम हो रहा है भैया यहाँ पे? ये है भैया CSB पिज़्ज़ा। जी भैया, CSB पिज़्ज़ा, अच्छा इसको CSB स्पेशल पिज़्ज़ा भी कहते हैं। ओके भैया, देखिए अभी पिज़्ज़ा को स्लाइसेस में कट किया जा रहा है। आप कितने स्लाइसेस में कट करते हैं भैया? इसको 6 स्लाइस करते हैं हम लोग ऑन अ जनरल बेसिस। चलिए, ऑन डिमांड अगर चाहें तो इसको ज़्यादा स्लाइसेस में भी कर सकते हैं, अगर एक एक स्लाइस खाने का मन हो सभी को और पैसा नहीं हो, है ना। तो वैसे तो भैया हमारे बहुत नेक दिल हैं, मैं भी आया हूँ कभी कभार, तो पैसा नहीं रहता था तो बाद में भी देखे हम लोग खा सकते थे। हम लोग भी प्यार, यहाँ पे पैसे के लिए बिजनेस करने नहीं आए हैं, हम लोग प्यार बांटने आए हैं। चलिए, बहुत सुंदर, आपका जो टैग लाइन भी है बहुत शानदार है कि हम खाना नहीं खुशियाँ बेचते हैं। खुशियाँ बेचते हैं, बहुत सुंदर भाई। तो भैया यहाँ कैसे क्या पिज्ज़ा बनता है थोड़ा सा एक बार दिखा दें। पिज्ज़ा किस में बनता है? ये है ओवन अपना, ये ओवन हो गया, चार पिज्ज़ा एक साथ इसमें लग सकता है, एक बार में चार पिज्ज़ा लग जाता है। और ये है फ्रायर, अच्छा फ्राई करने के लिए, फ्राई करने के लिए हम लोगों के पास दो माइक्रोवेव और इंडक्शन है। ओके, ये है ग्रिलर, ये ग्रिलर यूज होता है सैंडविचेस के लिए और बर्गर के लिए। ओके, और फिर शेक्स वगैरह के लिए, फिर अपना मिक्सर। तो बहुत सुंदर, ये सभी इंग्रेडिएंट्स हैं आप देख सकते हैं। चलिए, तो पिज्ज़ा में आपके पास कितने तरह के पिज्ज़ा हैं? ये कौन सा पिज्ज़ा और ये कौन सा? अपना CSB पिज्ज़ा है। अच्छा, इसमें ब्लैक ऑलिव, जैलेपिनो, पनीर, मशरूम, किचन एवरीथिंग रहता है। और फिर पास्ता हो गया, फिर आपको वाइट सॉस, रेड सॉस, पिंक सॉस सारे तरह का यहाँ पे है अवेलेबल, ताकि अगर कोई मंगवाना चाहे उसके लिए फ़ोन नंबर है आपसे है। तो आपको बता दूं मैं यहाँ का सबसे बड़ा खुशखबरी है कि मतलब अगर आप पिज्ज़ा खाना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो बस ऑर्डर कर दें, यहीं से जाता है। और अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ के जरूर खाएं, वाइब लें यहाँ का और मज़ा आ जाएगा। मुझे तो देखते ही लग रहा है कि मैं यहाँ से खा कर जाऊँ। चलिए, लेकिन अभी टाइम उतना नहीं है, मैं आऊँगा कभी स्पेशल दोस्तों के साथ ज़रूर एक बार। सभी लोग उठ के जल्दी पहुँचाएँ, तो एक पार्टी रहेगी मेरी तरफ से यहीं चाय सुट्टा बार में। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू भैया, बस बोल देना, चैनल को सब्सक्राइब करना है एकदम, बिल्कुल सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है और शेयर भी करना है। चलिए, बहुत